How will you enjoy in Odisha and this stonework? Well, we haven't started yet. So we're just looking at our stones. And I've carved this stone before in Mumbai, the sandstone. So I'm looking forward to carving it again. Odisha is a famous place here for stone carving. I was told here there were some craftsmen working for the temples and so on. So this is a good heritage. And that's why I would like to make a new patrimony to Odisha, like a contemporary patrimony. मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है. यहाँ मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, which is known for you know, stone city or beautiful city, city beautiful. और लेकिन जब मैं उड़ीसा के भुवनेश्वर में जब एंटर हुआ तो दैट इज़ अ ग्रेट ऑरा ऑफ आई फील अ ग्रेट ऑरा ऑफ स्पिरिचुअलिज्म हियर. तो यहाँ का स्टोन भी देख के मेरे को अच्छा लग रहा है. अभी यहाँ पे शुरू होगा 15 दिन का जो सिंपोजियम है. ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पे आर्टिस्ट आए हुए हैं और स्कल्प्टर्स आए हुए हैं. सिंपोजियम शुरू हुआ है स्पेशली कलाभूमि में और तरफ से ऑनरेबल सीएम की जो विज़न है कि हॉकी वर्ल्ड कप जो हमारा उड़ीसा में होने जा रहा है उसके लिए इंटायर सिटी को ब्यूटीफाई किया जा रहा है. और वो ब्यूटीफाई में जो उड़ीसा सरकार के डिफरेंट एजेंसीज है जैसे बीएमसी, बीडीए, ओएमसी और ललित कला अकेडमी, उनके साथ मिलके ये इंटरनेशनल स्कल्पटिंग कैंप के हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रीज है जैसे यूएस, फ्रांस, इटली, इजिप्ट, कोरिया, ये सब कंट्री से आर्टिस्ट आए हुए हैं. उसके साथ इंडिया में हमारा जो वेल नोन स्कल्प्टर्स हैं जैसे केरला से, बड़ौदा से, अलग अलग शहर से भी स्कल्प्टर्स आए हुए हैं. ये 15 डेज का ये कैंप चलेगा यहाँ पर. वो अपनी ये जो स्टोन यहाँ पर हम लोगों ने सैंड स्टोन दिए हुए हैं उन लोगों को, तो वो स्कल्प्टर जो है उनका ब्यूटी स्कल्पचर्स जो है वो उसको वो क्रिएट करेंगे और उसको सिटी का डिफरेंट प्लेसेस में ये प्लेसमेंट किया जाएगा. तो मेरा ये सोचना है कि जितने सारे लोग आएंगे देश विदेश से हॉकी वर्ल्ड कप देखने के लिए, वो उड़ीसा का स्पोर्ट्स कैपिटल जो है वो उसको आर्ट कैपिटल की तरह भी देखेंगे यहाँ पर. क्योंकि हर स्क्वायर में यहाँ पर आप देख रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट स्कल्पचर्स है जो उसका थॉट्स एंड आइडियाज़ इज़ वेरी डिफरेंट.